ये ब्लू ड्रेस में इतनी हॉट लग रही हो ना तुम। इट्स मी योर लव अभी। वैसे आजकल हम दोनों को वक्त ही कहाँ मिलता है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, इसलिए मैं सोचा कि इस चेंजिंग रूम में आकर तुम्हें सरप्राइज दूँ। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कितना वेट लॉस किया तुमने? इतनी क्यों मचल रही हो जैसे तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है? I know you like it. Come on, baby. इतनी क्यों शर्मा रही हो? It's me. अभी Come on, ये लेडीज चेंजिंग रूम में यहाँ कोई नहीं आएगा सिवाय मेरे। नाउ टर्न अराउंड एंड गिव मी अ नाइस टाइट हग। तुम यहां पर हो तो डार्लिंग तुम्हें ड्रेस पसंद आई? यू नो तनु, मैंने अभी की वाइफ के लिए अभी की फेवरेट कलर की ड्रेस डिजाइन की थी एंड ही इज डाइंग टू सी हर इन दैट ड्रेस। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हैव 1 मिनट? 1 मोमेंट प्लीज। तुम अंदर क्या कर रहे थे? तुम बाहर क्या कर रही थी? और अगर तुम बाहर थी तो अंदर कौन था? कम ऑन अभी, ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम प्रज्ञा के साथ थे। प्रज्ञा? वो यहाँ क्या करेगी? और ये तुम क्या कह रही हो? मुझे सच में लगा कि तुम अंदर हो। Really? Trust me, I seriously thought it was you. उसमें और मुझ में तुम्हें कोई फर्क नहीं दिखता है? अंदर अंधेरा था। था? ये तुमने किया था? और अब मैं इसे कैसे समझूं? और क्या कह रहे थे तुम? कि कितना वेट रिड्यूस किया है, कितनी दुबली। अगर वो दुबली हो गया तो फिर मैं मोटी हो गई हूँ क्या? नहीं, वो मोटी है, तुम हवा की तरह हल्की हो। So light. तुम जानती हो ना, मैं उसके सामने 2 मिनट खड़ा नहीं रह सकता, और खड़ा हो भी गया तो मैं सांस नहीं ले सकता। इतने मोटे चश्मे हैं उसके, और मुझे सच ही में लगा कि तुम वो चश्मे हो। और स्वीट, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? बोल नहीं सकती थी कि चेंजिंग रूम के अंदर तुम हो। मैं बताने वाली थी लेकिन आपने मेरा मुंह बंद कर दिया। तुम्हारा मुंह मैंने अपने हाथों से बंद किया। हाथ धोना पड़ेगा। मुझे अपना मुंह धोना पड़ेगा। तुम जाकर गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाते? डुबकी क्या, जाकर डूब ही जाओ तुम। Do you know what happened? Come on, Tanu. I'm sure भाई ने जानबूझ के नहीं किया होगा। You just relax. ये सब प्रज्ञा ने जानबूझकर किया होगा। मैंने कहा था तुमसे कि अभी को उससे दूर रखना। जब से उसको पता चला है ना, she knows that तुम्हारी शादी होने वाली है और अभी उसे घर से निकाल देगा। तभी वो उस पर चांस मार रही है और उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। Listen. You're just overreacting. तुम जानती हो भाई ऐसा कभी होने नहीं देगा। वो बहन जी चाहे कुछ भी कर ले, you don't have to worry them. क्योंकि भाई ना तो उसे देखेंगे, ना ही उसे पास आने देंगे. Okay? So just relax और जो करने आई हो वो करो. Help me show up. Come on. अभी कहाँ है? भाई को इन्वेस्टर का फोन आ गया. वहीं पर गए. Here's your bill, darling. और डिस्काउंट? डिस्काउंट और किस लिए? मेरी एंगेजमेंट की खुशी में डार्लिंग। वैसे भी मेरे फंक्शन पे सारे लोग हमारी ड्रेसेस पहनेंगे, तो सॉर्ट ऑफ प्रमोशन तुम्हारा भी तो होगा ना। डिस्काउंट तो बनता है। पर तुम अभी की शादी में तो कभी डिस्काउंट नहीं ली, आप क्यों मांग रही हो? ये समझ लो कि इस बार दोनों का फायदा है। ओके, नॉट योर्स नॉट माइन, 20% डिस्काउंट। नो नो, ओनली माइन, 40%। व्हाट, 40%? आई एम मैड। बाकी के डिजाइनर्स तो 50% देने को राजी हैं आंटी, सोच लो। ओके, डन। और हाँ, मुझे दोनों बिल चाहिए।
डिस्काउंट वाला भी और बिना डिस्काउंट के भी. There you go. What are you doing, Alia? कहा था ना स्वीरा, सुनने में नहीं देखने में मजा आएगा. अरे भाई इसमें मेरी क्या गलती है, कोई कोई कपड़ा खराब निकल आता है. तुम्हारी ही गलती है, इतने घटिया कपड़े रखते हो अपने दुकान पर तुम, उसके पैसे भी ज्यादा लेते हो. ये देखो मेरी टी शर्ट 10 दिन में ही फट गई. ये हमारी टी शर्ट देखो, रंग भी चला गया. अरे भाई फैक्ट्री से माल ही है सारा, इसमें मेरी क्या गलती है. आप फैक्ट्री में जाके बात करो ना. पैसे हम तुम्हें देते हैं और जाके हम फैक्ट्री में बात करें. तुम बात करो, हमारे कपड़े बदल कर दो या फिर पैसे वापस दो. अरे भाई ऐसे कैसे पैसे दे सकते, मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना. और मेरा जो नुकसान हो जाएगा वो. अरे सुरेश भाई ये देखो, ये दुकानदार दिन दहाड़े लूट रहा है हम लोगों को. घटिया क्वालिटी के कपड़े देके हाई क्वालिटी के पैसे लेता है ये. अरे भाई, अरे भाई सुरेश को बुला रहो. सुरेश ने बोलना शुरू किया तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेगा. अब तो तुम्हें सबक सुरेश ही सिखाएगा, तुम्हारा कंप्लेन करेगा वो, कंज्यूमर कोर्ट जाएगा वो, तब दोगे दोगुने पैसे. अरे सुरेश भाई आप कहां जा रहे हो? सुरेश भाई इसे क्या हो गया आज? पहले कभी कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करता था, आज सबको अनदेखा करके चला गया. एक काम करो, आधा सामान तुम ले जाओ बाकी मैं ले आऊंगी. Excuse me, तुम्हारा बैग भी अब मैं ही लेकर जाऊंगी क्या? ये लो पकड़ो. अब फंसी मछली मेरे जाल में. अरे आगे तुम लोग. ये लो, ये बंटी का, ये बबली का. भाभी आपको पता है ये कलर मुझे कब से चाहिए था? आपको कैसे पता कि मुझे ये कलर पसंद है? बस पता चला. थैंक यू सो मच. बेटा मेरे को ये बहुत पसंद आया, वेरी नाइस कलर, बहुत अच्छा कपड़ा है. हाँ मुझे पसंद. हमें भी बहुत अच्छे लगे ये कपड़े. और मेरा सूट भी बहुत अच्छा है. ये सब कुछ इतनी अच्छे से सिर्फ और सिर्फ हमारी भाभी की वजह से हुआ है. थैंक यू भाभी. आप नहीं होती तो पता नहीं मैं ये सब कुछ कैसे करूं. अरे भाभी वो मेरा बिल नहीं मिल रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ रखा, मैं जरा चेक. एंगेजमेंट की खुशी में पता नहीं कहाँ पर ही रख दिया मैंने. अभी इसमें तो नहीं है, कहीं गलती से मैंने आपके पर्स में तो नहीं रख दिया? आप प्लीज चेक करेंगी? लाइए मैं चेक कर लेती हूँ, आप तब तक बाकियों से बात कर लीजिए. पूरी एक्साइटमेंट में पता नहीं क्या मिल गया. ये क्या है? क्या हुआ? भाभी ये कौन सा बिल है? जो सामान हमने लिया उसका प्राइस तो बहुत ज्यादा था, ये तो कोई 40% डिस्काउंट वाला बिल. हाँ तभी मैं कहूँ इतना हल्का क्यों है ये. हाँ ये मेरे सूट में से भी ऐसे धागे निकल रहे. देखिए भाभी आपने ऐसा क्यों किया? मतलब मैं मतलब आपने ये सब चीप कपड़े खरीदे मेरे एंगेजमेंट के लिए? How could you do this? और अगर ये डिस्काउंटेड बिल यहाँ पर है तो मैंने तो पूरे पैसे भरे थे, बाकी के पैसे कहाँ पर है? आप
आपने ऐसा क्यों किया? मैंने अगर आपको पैसे ही चाहिए थे तो आप मुझे बोल देती, भाई को बोल देती। क्यों किया आपने ये सब? वो भी मेरी एंगेजमेंट के लिए। क्यों भाभी, बोलिए ना, कुछ तो वजह रही होगी। मैंने ये पैसे रखे, मैंने ये क्या, मैंने आप ही के पर्स से मिले हैं ना, ये मेरे पर्स से तो नहीं मिले ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्यों किया भाई। एक मिनट प्रज्ञा, बोल, ऐसा क्यों किया तूने? दादी, दादी मैंने मैं बताती हूं इसने ऐसा क्यों किया। हमें सीख देने के लिए कि घर के खर्चों में से पैसे कैसे बचाए जाते हैं। आज इसने हमें यह सिखा दिया है कि पैसे उड़ाए ही नहीं बचाए भी जा सकते। आलिया, मैं तुम्हें जो महीने के खर्चे के लिए पैसे देती हूं वो तुम 15 दिन में ही खत्म कर देती है। प्रज्ञा को गलत बोलने से पहले तुम उससे सीख लो कि कम खर्चे में घर कैसे चलाया जाता है। शाबाश बेटी, आज तुमने फिर बता दिया कि तुम्हें इस घर की बहू बनाकर मैंने बहुत अच्छा काम किया। और तुम दोनों अभी अभी ड्रेसेस बहुत पसंद आ रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, तारीफ हो रही थी, और जैसे ही सुना कि डिस्काउंट में कपड़े आए हैं तो नुक्स निकालने शुरू कर दिए। जितने पैसों में प्रज्ञा ये कपड़े लेके आई है उतने पैसों में तुम बाजार जाकर ये खरीदारी कर सकती हो, नहीं ना? बहू हो तो प्रज्ञा जैसी हो, ऐसी होनी चाहिए घर की बहू जो पैसों की कदर करके पैसे बचाना जानती हो। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में पैसों की कमी है, पर जिस घर में प्रज्ञा जैसी बहू हो उस घर में तो पैसों की कमी हो ही नहीं सकती, उल्टा बरकत रहेगी। अगर मेरी थोड़ी सी बात आपके पल्ले पड़ गई हो तो आइंदा प्रज्ञा को गलत कहने की जगह उससे कुछ सीखो। आपको दिख नहीं रहा मैं अंदर हूँ। तो क्या आप बाहर जाइए, मुझे नहाना है। मैं देखूंगा। मतलब? मैं देखूंगा कि तुम मुझसे पहले कैसे नहा सकती। ये गलत बात। तुम कोई टीचर हो कि हमेशा मुझे सही गलत सिखाती रहती? लेकिन मैनेज तो सिखा सकती हूँ ना। प्लीज आप बाहर जाइए, मुझे नहाना है। ये घर किसका है? आपका। ये कमरा किसका है? आपका। ये बाथरूम किसका है? आपका। तो इसमें नहाने का हक किसका है? आपका। अब जबकि तुम मान गई हो तो तुम जाओगी बाहर और मैं रहूंगा अंदर। अब जल्दी बाहर जाओ, मुझे मीटिंग ले जाना। मुझे दादी के साथ बाहर जाना। तुम दादी का नाम लेके मुझे डरा नहीं सकती, ओके? मैं नहीं जाने वाला बाहर। मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम बाहर नहीं जाओ, मुझसे पहले आओ, ठीक है? जल्दी, तुम्हें भी और मुझे भी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मेरे साथ नहा सकती हो। आपके साथ? मतलब मैं आपके साथ कैसे नहा सकती हूँ? ऐसे मैं आपका बेशरम नहीं हूँ। तुम मेरी तरह इंटेलिजेंट भी नहीं हो। कुछ सीखो मुझसे कि कैसे काम निकलवाया जाता है।
वरना दादी नाराज हो जाएंगी। डोंट वरी, मैं कुछ नहीं देखूंगा। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था गंगा में डुबकी मारने, मेरे साथ मेरे बाथटब में नहीं। प्लीज गो। मेरा दुपट्टा। अरे वो तुम्हारा दुपट्टा नहीं, अपना चश्मा पहनो। ये रहा तुम्हारा दुपट्टा। क्या कर रही हो तुम? फिर से आ गई। मैं तो कह रहा हूं ये पूजा पाठ छोड़ के ना ऐसा वर्कआउट शुरू करो, क्योंकि अगर इसी तरह गिरती रहोगी ना तो एक दिन अपना फर्नीचर तोड़ दोगी। ए, क्या चाह रही हो? ये लो, टेक माय हैंड। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। पूरब की कार? मतलब पूरब भी यहीं कहीं होगा। आखिर पूरब है कहाँ? बुलबुल, कितने झूठे लोग हैं इस दुनिया में। पहले जल्दी जाने का बहाना करते और उसके बाद बैठकर रिलैक्स करते। वैसे तुमने अंदर जो कुछ भी किया जानबूझकर किया, वेट करी थी कब मैं अंदर जाऊं और कब तुम मुझ पर आके गिरो। बस बहुत हो, आप समझते क्या है अपने आप को? जो मन में आएगा बोलते जाएंगे। छे, वहां अंदर कुछ भी बोले जा रहे थे, वहां स्टोर में अपनी गर्लफ्रेंड से मेरे बारे में क्या कुछ भला बुरा नहीं कहा आपने। और तो तुम चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी। चलो अच्छा हुआ तुमने बातें सुन ली, पता तो चल गया कि तुम कैसी हो। जैसी भी हो आपसे अच्छी, भगवान ने आपको बोलने के लिए मुंह तो दे दिया लेकिन सोचने के लिए दिमाग नहीं दिया। आप किसी की अच्छाई को किसी की खूबसूरती से कैसे जज कर सकते हैं और किसी की हिम्मत को आवाज से जज करते हैं? मैं आपके सामने चुप रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरती हूँ आपसे। डरती नहीं हूँ आपसे, आपको आपको बर्दाश्त करती हूँ आपको, लेकिन बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। आप क्या बोल रहे थे अंदर? मैं चांस मारती हूँ आप पे। आप में सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज है भी या नहीं? कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है? और क्या कहा आपने, मैं बहाने ढूंढती हूँ आप पे गिरने का? For your kind information, आप दुनिया में अच्छे, आप दुनिया के आखिरी मर्द भी होंगे ना तो भी मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। प्लीज मेरे साथ ये बेहुदा मजाक करना छोड़ दीजिए। आपकी बातें सुन सुन के थक चुकी हूँ मैं। और मैं भी थक गया हूँ तुम्हारी शक्ल देख देख के। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल तुमने हमारे साथ जो सब कुछ किया ना उसके बाद मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकता। एंड बिहेव करता अगर तुम आलिया के साथ वो सब नहीं करती। कभी कभी तो तुम्हारे लिए मुझे बुरा लगता है और फिर मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना, आई रियलाइज व्हाट अ हिप्नोटिक क्वीन यू आर एंड यू डिजर्व ऑल दिस। तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कैन यू प्लीज स्टॉप स्नीजिंग? अब ठीक आ रही तो क्या करूं? गॉड नो, अभी इसकी इसकी आंखों में मत देख वरना ये फिर तुझे हिप्नोटाइज करेगी और फिर तुझे उसको लेके बुरा लगेगा। तुझे बस ये याद रखना है कि इसने तेरी बहन के साथ क्या किया। यस आई एम नॉट गोइंग टू फील बैड फॉर। गॉड
ये लो, ये मत सोचना मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो। तुम्हारी बीमारी नहीं चाहिए मुझे। और who knows, अगर तुम्हारा बैक्टीरिया मेरे अंदर आ गया, मैं कहीं तुम्हारे जैसा ना बन जाऊं। और मुझे बदला भी तो लेना है। इसे पीकर जब तुम्हारा मुंह बनेगा ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन तुमने मुझे पिलाया था, तब तुम्हें भी अच्छा लगा था ना, है ना? देख क्या रहे हो, पियो। क्यों अच्छा बन रहा हूं? क्यों मैं उसकी आंखों में देख रहा हूं?